पहली बार धारावी में होगा धारावी प्रीमियर लीग का रोमांच। क्रिकेट खेलकर धारावी के युवाओं को दिया जाएगा विकास का संदेश। अपना टाइम आ गया संदेश के साथ धारावी में पहली बार दिखेगा धारावी प्रीमियर लीग DPL का रोमांच। धारावी और धारावी पुनर्विकास परियोजना लिमिटेड के स्थानीय युवाओं द्वारा 31 मई से 2 जून तक आयोजित DPL शुक्रवार शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा और लगातार 3 दिनों तक क्रिकेट खेला जाएगा। मिनी इंडिया के नाम से मशहूर धारावी की सड़कों पर हर जगह क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देखा जाएगा। क्रिकेट के प्रति प्रेम की इसी डोर को पकड़ते हुए यहां के स्थानीय युवाओं ने IPL की तर्ज पर DPL का आयोजन किया है और ये प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। धारावी के सेक्टर 1 में पुनर्विकास परियोजना का सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जिसमें मतुंगा लेबर कैंप, शाहू नगर, सतचाल, वाल्मीकि नगर, कमला रमन नगर के क्षेत्र शामिल है। DPL का प्रथम चरण का आयोजन हो चुका है, इसके बाद जल्द ही 5 अन्य चरणों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पहले चरण में कुल 14 स्थानीय क्रिकेट टीमों के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खास बात यह है कि 10-10 ओवर के ये ICC के T20 नियमों के मुताबिक खेले जाएंगे और थर्ड अंपायर और अन्य अपडेटेड सिस्टम तैयार किए गए हैं। रविवार को इन टीमों के बीच सीरीज मुकाबलों के साथ फाइनल मैच खेला जाएगा। विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन मैचों का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया और लोकल केबल पर किया जाएगा और मैच देखने आने वाले दर्शकों को आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे। धारावी प्रीमियर लीग का आयोजन IPL की तर्ज पर होने के कारण इसमें खेल के साथ साथ मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है। धारावी के रैपर्स, मिमिक्री आर्टिस्ट समेत मनोरंजन कार्यक्रमों का रेला रहेगा। यहां फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। DPL धारावीकरों द्वारा धारावीकरों के लिए आयोजित एक टूर्नामेंट है और हम स्थानीय खिलाड़ियों के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते हैं। साथ ही धारावी के युवा धारावी पुनर्विकास परियोजना को समर्थन देकर विकास का संदेश देंगे। हम जल्द ही धारावी में और बड़े पैमाने पर DPL आयोजित करने का इरादा रखते हैं। ऐसी बात टीम स्पिरिट के कप्तान अदनान सैयद ने की।